भाई मैं बता दूं तेरे को, डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है, क्यों इतना ज़्यादा लोग डिप्रेस रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि क्या हो गया आजकल लोगों की लाइफ ना दो तरह की हो गई है, एक उनकी रियल लाइफ और एक उनकी सोशल मीडिया की हाई प्रोफाइल लाइफ। अब क्या होता है कि उनकी सोशल मीडिया की हाई प्रोफाइल लाइफ से उनकी रियल लाइफ मैच नहीं करती है, मतलब कि उनको एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि उनकी रियल लाइफ जो है वैसी हो गई है, तो इस वजह से जब वो अपने आप को देखते हैं तो उन्हें दुख होता है। एट द सेम टाइम जिस तरह से क्या होता है कि लोग आजकल फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, फ़ोटोज़ इतने डालते हैं, तो क्या होता है कि उनकी जो रियल फ़ोटोज़ पर इतने फिल्टर्स लग जाते हैं और उनको एक्सपेक्टेशन हो जाता है लड़कियों को हो या लड़कों को कि मैं ऐसा दिखता हूँ, और जब वो कांच के सामने खुद को देखते हैं यानी वो रियल में देखते हैं तो उन लोगों को दुख होता है। सीरियसली ये चीज़ इतना, ये कई सारी रिसर्च इस पर हुई है, कई सारे मैंने आर्टिकल्स ऐसे पढ़े हैं कि जब फिल्टर्स वाली फ़ोटोज़ को देख करके आपकी दिल की गहराइयों में एक इतना कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में ये बात सेट हो जाती है कि आप ऐसे दिखते हो, लेकिन जब आप कांच के सामने खुद को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार मतलब एक दुख होगा। तो यही है कि एक सोशल मीडिया लाइफ और एक रियल लाइफ में इतना डिफरेंस, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है कि लोग फिर एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ। और ये चीज़ होती भी है, जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है कि जब कोई किसी से मिलने जा रहा हो, जब किसी से फर्स्ट टाइम मीटिंग करता है, तो वो जिस बंदे ने आपसे आपकी सोशल मीडिया की लाइफ देखकर के या प्रोफाइल देखकर के आपसे जितने रिस्पेक्ट से बात करी या जैसी बात करी, तो आपके मन में एक्सपेक्टेशन होगा, होता है कि मैं जाऊँगा तो वो मुझसे ऐसे बात करेगा, लेकिन वो उसकी एक्सपेक्टेशन भी ख़राब होती है कि आप जिस तरीके से दिख रहे थे वो नहीं दिख रहे हो उसके सामने अब रियलिटी में, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको उतनी इज्जत दे तो वो नहीं देता, तो इस वजह से एक बहुत ज़्यादा टेंशन और ये सब होता है। और तुम वीडियो रिकॉर्ड कर लो मेरा, ठीक है।